आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू कार्यालय में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहां मनाया जा रहा है। यहां पे उमेश कुशवाहा भी जदयू ऑफिस पहुंचते हैं। सीट को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो पहले पत्रकारों को क्या कुछ जवाब देते हुए कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। कि पूरे संसार में एक साथ महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है महिला के समान अधिकार के लिए रेखांकित किया गया है और वो तो एक दिन ही पूरे संसार में 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन ये जो है उस दिन महाशिवरात्रि की वजह से हम लोग आज पार्टी ने निर्णय लिया कि उसको 2 दिन बाद मनाएं। दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उद्देश्य और भावना एक हो, भावना उद्देश्य देख लीजिए। हमारे नेता तो महिला सशक्तिकरण पर जो काम किया है उस स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ हो। आप देख रहे हैं कि पंचायती राज के नगर निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण, शिक्षक की बहाली में 50% का आरक्षण और जो सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण। तो हर जगह महिला को सशक्तिकरण में जो हमारे नेता ने जो काम किया है स्वतंत्र भारत में कोई नहीं किया। दावेदारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, खगड़िया से कर रहे हैं डॉक्टर संदीप कर रहे हैं, नहीं नहीं आप उसके लिए आप देख लीजिए लगातार सम्राट चौधरी से ही मिल रहे हैं। ये हमारे पार्टी के सर्वमान नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनमें सभी लोग आस्था रखते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं और पार्टी भी उनके द्वारा सिंची हुई पार्टी है, समझे, कोई इधर उधर नहीं है। जो फैसला लेते हैं सब विश्वास करते हैं उनके फैसले पर। नहीं ईडी ये तो कानूनी प्रक्रिया है और उस पर जांच हो रही है, ये तो प्रशासन के काम है कानूनी प्रक्रिया क्या नहीं तो वो तो प्रशासन देखिए उस पर कार्रवाई होगी। कानून को लेकर जो बात आप लोग कह रहे हैं कि लगातार बालू माफिया शराब माफिया बड़ी सर, ये देख लीजिए हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, जो गलत करता है उसको परिणाम गलत मिलता है। एनडीए में सीट शेयरिंग के लेके आप लोग चिंतित नहीं होइए, हमारे जो भी घटक दल के नेता हैं सब आपस में बैठकर फैसला कर लेंगे। चिराग हो या मैंने कहा देख लीजिए, अब उस पर तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। हमारे नेता सर्वमान नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनका न्याय के साथ समावेशी विकास की धारा मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की धारा को मजबूत करने के लिए सब एनडीए के लोग एक साथ हैं। इंडिया गठबंधन का क्या मतलब है, इंडिया गठबंधन न सोचे, उनका जो इंडिया गठबंधन का जो पत्ता साफ हो रहा है ये बिहार से 40 के 40 एनडीए के पक्ष में झोली में जाएगी। तो आप लोगों ने सुना साफ तौर पे उमेश कुशवाहा कह रहे हैं सब कुछ सही है, कोई भी नाराज नहीं है, एनडीए में भी और जदयू में भी सीट को लेकर बातचीत हो गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री बिहार आते हैं सीट की बंटवारे बहुत जल्द हो जाएगी। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही है, आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।